वे सत्यवादी सूरमा हा और बने संसार सत्यवादी वीर तेजा जी रे नाम सु जाने। तो तेजा जी महाराज री गाथा आप सबने वार्ता रे रूप में सुनाऊं। तेजा जी महाराज सु पहला 5 पीढ़ियां हुई जिनरे अंदर उदया राज दी धोड़िया होया जकांगे कन्ने 25 गांवारी जागीर ही और बारे आगे क्षत्रिय लाग तो क्षत्रिय किया लाग तो कुण होए क्षत्रिय जका कने गाड़ी घोड़ा होए अस्त्र शस्त्र होए और सब प्रकार सु आपरी प्रजारी रक्षा कर सके। एक राजा रो धर्म निभा सके उनने केवे क्षत्रिय। अब कहीं होयो कि तेजा जी महाराज रे पिता रो नाम हो दाहड़ जी और माता रो नाम हो राम कुंवरी। अब माता राम कुंवरी रे गर्भ सु बहुत वर्षा तक कोई टाबर नहीं होयो तो ताहड़ जी रो दूजो ब्याह माता रामी रे साथे रचो गयो। माता रामी रे 5 पुत्र होया और एक राजल बाई रो जन्म होयो और कुछ समय बाद जिकी माता राम कुंवरी ही बारे गर्भ सु भी एक पुत्र जन्म लियो जिनरो नाम तेजा जी महाराज रखियो गयो। तेजा जी महाराज री एक बहन जिनरो नाम हो बूंगरी भाई ने सियागा में तबीजी में परनाई। तो सजनों तेजा जी महाराज और राजल भाई री मावा अलग अलग है। राजल भाई री माँ माता रामी है और तेजा जी महाराज री माँ राम कुंवरी देवी है। तो कहीं होयो कि पुष्कर रो मेलो लाग्यो खरनाल रा धोलिया जाट पुष्कर रे मेले मायने जावे। जद तेजा जी महाराज री उम्र मात्र 9 महीना होए और आगे सो पनेर रा झांझर जाट पुष्कर रे मेले मायने आवे तो झांझर जाट और धोलिया जाट आपस में मिनखारो मन मिल जावे। तो तेजा जी महाराज और माता पेमल रो रिश्तो तय कर दे। तेजा जी महाराज उन वर्ष मात्र 9 महीना रहा जना तेजा जी महाराज रो रिश्तो करयो गयो। अब कुछ साल बाद कहीं आयो कि तेजा जी महाराज रा मामेर ससुरो हुआ खाजू जी काला। खाजू जी काला ताहड़ जी सागे लड़ाई रचली सा। अब ताहड़ जी भी वीर सूरमा ताहड़ जी कहीं गयो खाजू जी काला रो माथो बांट दियो और बैठे खाजू जी कालारी मौत हो गई। अब जिया ही माता पेमल री मां ने पतो लाग्यो कि ताहड़ जी मारे भाई ने मौत रे घाट उतार दियो। कि मारे भाई री मौत हो गई तो पेमल माता री मां कहो कि जिन घर रे लोगा मारे भाई ने मार दियो मैं उन घर में अपनी बेटी कदे ही नहीं देऊंगा। अब कहीं होयो तेजा जी महाराज घर में सूत्या हा
तो तेजा जी री माता तेजा जी महाराज ने कहो कि बेटा उठो और खेता में हरियो बाओ और बाजरो बीजो। अब तेजा जी महाराज ने कहे आपने तो यही अन्न धन गणो होए, आपने बाजरो बीजन री कहीं लोड। तो तेजा जी महाराज री माता कहीं कहवे कि बेटा और जो लोग खेता में बाजरो बीजे बस माने धान मिले, और जब तू बाजरो बीजेला तो थारे मोती उपजेला। अब तेजा जी महाराज खेत गया और हल चलायो और बाजरो बीजो। पहला रे टाइम में कहीं हो तो कि लोग आपरो खेत बावड़ने जाता तो लगभग 12-1 बजे घर री कोई माता बहन या बारी लुगाई बातों लेने जानती, ठंडो पानी लेने जानती कि मारा मिनक खेता में काम कर रहा है। अब तेजा जी महाराज रो काम कदी करेड़ो हो नहीं, अब नया नया खेत में ला गया तो तेजा जी महाराज री बोजाई केली बातों मोड़ो लेने आई। तो तेजा जी महाराज कहो कि भाभी ओरारी भतवाणिया तो पाठी पाछी मुड़ गई है और आप इतना लेट आया हो, अया की कर, माने इतनी जोर की भूख लाग रही है, आप मारो खानो 2 घंटा लेट कर दियो। तो भाभी कहीं कहवे हो जी थोड़ी ए मारा लाडला देवरियो अज थोड़ी आई लार की, ए मारा लाडला देवरियो मारे नान्या ने छोड़ो रे हिंदे झूल तो ने तेजा जी महाराज थोड़ी रीस में कह दियो। तो भाभी सा कहीं कहवे कि हे मारा लाडला देवर, मैं तो दौड़ी आई और मारो छोटो सो बालक बच्चो है, बिने पालना में झुलाने आई हूं, वो सोयो जना मैं बातों लेने आई हूं, इमें मारी भी कोई गलती नहीं है। तो तेजा जी महाराज जोत जवाना और खून गर्म हो, तेजा जी महाराज रीस रे मायने 2 शब्द बोल दिया कि जा भाभी थारी रोटियां तू काठी राख, माने थारी रोटियां कोनी खानी। अब पहला जमाना में गैस तो कोनी चूल्हो तो,
जेठ साढ़ रो महीनो हो अब जिया ही रोटी बना के माता लियाई तो माता ने रीस आ जावे भाभी साने तो कहीं कहे कि हे मारा देवर अगर थाने इता ही उना उना फलका भावे तो थारी परन्योड़ी नार पनेर गांव रे मायने बैठी है आप बाने ले आओ माने कहीं बोल सुना रहे हो थारी आपरी परन्योड़ी नार तो पीवर में मौज उड़ा रही है। अब अत्तो कहते ही तेजा जी महाराज री मन में और राग लागी कि ओ कहीं कहती हो तो भाभी सा कहो तेजा जी महाराज ने इन बात रो पता नहीं हो कि मारो रिश्तो होयड़ो है मारी जी की लुगाई है वा पनेर रे महीने आजकल तो कहीं हुए था पड़ते भी मारो रिश्तो बैठा हुए है लोग ठेठ स्कॉर्पियो ले गए लारी उड़ जाए तो मारी लुगाई है। तेजा जी महाराज ने रीस आ जावे तेजा जी महाराज आपरी लीलन में बुलावे और कवे कि हे मारी प्यारी लीलन आज आप पनेर गांव रे कने जानो है पेमल ने लेने आनो है। तेजा जी महाराज रीस रे मायने घरे आ जावे और माता ने कहे कि मैं आपरी लुगाई ने घरा ले रहे आऊंगा। अब कई बात बने तेजा जी महाराज री भाभी माफी मांगे तेजा जी महाराज सु और कहे कि हे मारा लाडला देवर माने माफ करो और आप आज पनेर गांव मती जाओ क्योंकि भाभी साने और मां साने पतो हो कि ताहड़ जी पेमल रे मामा रो माथो बाड़ दी हुए तो पेमल री माता कदे भी पेमल ने मारे घर री बहू नहीं बढ़ने देवेला पर तेजा जी महाराज माने नहीं। तेजा जी महाराज का हूं तो जाऊंगा। अब जोशी ने बुलायो कि मारो टिप्पणो देखो तो जोशी जी भी कह दियो कि हे मारा तेजा आपरा सुगन सही नहीं है आप पनेर गांव मती जाओ माने थारी धोली देवली दिखे तेजा थे पनेर मती जाओ पर तेजा जी महाराज नहीं मान्या। अब तेजा जी महाराज यही घर सु बारा ने निकलिया तो बड़ा ही अपशगुन होया बिल्ली रास्तो काट्यो खाली घड़ारी पणियारा मिली ऊंट गाडा मिलिया अनेक प्रकार रा अपशगुन होया लेकिन तेजा जी महाराज रुकिया नहीं। अब कहीं कहे लीलन पनेर फूक जावे और लीलन एकदम घरनावे और पेमलरी माता आपरी गायारो दूध निकालती हुए अब जिया ही लीलन बोले तो गाया और गायारा बाछड़ा अलग अलग हो जावे। पेमलरी माता कहीं कहे कि काड़ारा खयोड़ा चूंगता भिड़काया बालक बाछड़ा एड़ो मारी नगरी में कुण आयो। अब अतो तेजा जी महाराज सुन लियो अब तेजा जी महाराज ने रीस तो पहले ही आईडी अब सासू ऐसा बोल और बोल दिया तो तेजा जी महाराज कहीं कहे कि आई जुई पाछी गिरजा लीलन भारी है और नुगरारी धरती पर वासो नहीं करा। अब जिया ही तेजा जी महाराज पाछा मुड़े तो माता पेमल मारे पगा में पड़ जावे कि हे मारा पति देव मैं 30 वर्ष हूं आप रो मुखड़ो नहीं देखो और आज आप रीस करने पूठा जा रहे हो तो माने माफ करो
मारी मारी गलती मैं मांगू माने माफ करो और काल आपा खरनाल चला ला। तो तेजा जी महाराज ने रोक लेवे। अब माता पेमल आपरो हार श्रृंगार करती होवे, संध्या रो टाइम होवे, लाचा गुजरी रोती रोती आवे कि एडो कोई शूरवीर क्षत्रिय है जो मारी गाया ने बचाने लवे, तो कोई भी हाथ खड़ो नहीं करे। तो लाचा गुजरी रो सुनेड़ो हो कि तेजाजी महाराज रो धर्म क्षत्रिय है और तेजाजी महाराज सबरी रक्षा करे। तो लाचा गुजरी तेजाजी महाराज को अरदास करे कि हे तेजाजी महाराज मारी गाया ने बचाने लाओ। तेजाजी महाराज कहे मैं तारी गाया क्यों बचा के लाऊं, मैं तो अड़े पावणो एड़ो मैं तो बताऊं थारी गाया मैं क्या मैं बचाऊं। कहीं क्या करे कि सूरा ने नहीं बरो बल याद दिलाना पड़े। तो लाचा गुजरी कहीं कहे गाया मैं बचाने लू लो। अब तेजा जी महाराज आपरी लीलन ने ले मेणा चोरा रे पीछे जावे, तो रस्ते में जावे तो काड़ो नाग बने जड़तो मिले। तेजा जी महाराज मन में सोचो कि यह आग बढ़ रही है और कोई जीवरी हत्या हो जावेली। तो तेजा जी महाराज कहीं करे हो घोड़ी पर बैठ कर भाला सू भी सांप ने बारा काट दियो, बारा काट दियो सांप जी तो चिंगर गया। एक तो सांप खान खातर चिंगड़े करे, सांप जी कहते हैं मैंने बारे काटियो तो काटियो किया, मैं तो आज सीधो बैकुंठ ने जानतो और तू तो मारे भगवान सु मिलने री जी की प्रीत ही वाने कैंसिल कर दी, अब तो मैं थाने डसू ला। अब तेजा जी महाराज कहीं कहे कि हे नाग देवता आप मने जरूर डसया लेकिन उनसु पहला मारो लाचा गुजरी ने वचन दियोड़ो है कि मैं बारी गाया बचा के लाऊला। अब नाग देवता कहे मन्ने बुद्धू समझे गे तू,
आपकी मौत कन कोई पुट्ठो आए करे क्या? तू तो मनिया के खाओ नार मने कर जान दे और मैं पुट्ठो आ जाऊं यहां तो ही कोस के। तो तेजा जी महाराज वचन देवे कि अगर मैं जाटनी रो जायड़ो हूं कि हे नाग देवता, अगर मैं जाटनी रो जायड़ो हूं, जाट मारो धर्म है, तो मैं आपरी बंबी माथे जरूर आऊंगा। अब नाग देवता ने विश्वास हो जावे। अब तेजा जी महाराज मेणा चोरा रे पीछे जावे और सारी गाया बचा के ल्यावे। लाछा गुजरी ने सारी गाया संभलावे और तेजा जी जग्या जग्या सु घायल हो जावे। अब तेजा जी महाराज सांपरी बंबी माथे वापस जावे। वो सांप बंबी माथे पड़ के बैठो, वो तो भूल गया भी तेजो बाबू आसी के वो का कोई कुआ बैठे। अब कहीं कहवे तेजा जी महाराज काले नाग सु पुकार करी है, ओ जी सूता काई सुख पर नींद वास करा जा रे। ओ जी सूता काई सुख पर नींद वास करा जा रे। ओ जी बारे तो तेजा जी महाराज यही करुड़ पुकार करी। वासक नाग बारे आया। अब काला नाग जी सोचे ओ कहीं होयो मरण वास्ते कुण आया करे। वासक नाग रे मन में भी दया आ गई साहब। कहीं कहवे कि ते इन धरती रा सूरवीर हो, आप अपनी प्रजा री रक्षा करो तो आप आपने मैं नहीं डसूला। अब तेजा जी महाराज कहे यहाँ तो हो नहीं सके, अब मारो तो वचन दियो है कि आप मने डसोला और मैं बंबी माथे आऊला। अगर आप मने नहीं डसा तो दुनिया मने जाटनी रो जायो नहीं समझेला और आपने मने डसनो पड़ेला। अब नाग देवता कहे बानो बनावे, ध्यान लगाई ने सुन जो सा। सारो तो भरियो रे तू तो खून सुआ, सारो तो भरियो रे तू तो खून सुआ।
वासक राजा तेजा जी महाराज ने कहे कि हे तेजा, मैं थाने कठे डसू, तू तो सारो खून सू भरियो है। तो तेजा जी महाराज कहीं कहे, ओ जी जी बड़ लिया थे डंक भरोनी वासक राजा, जी बड़ लिया थे डंक भरोनी वासक राजा, अब तेजा जी महाराज कहे कि मारी और कोई तो शरीर पर जिया खाली कोनी, लेकिन मारी जीभ और मारी पग थली दो चीज एड़ी है जटे मने गाव नहीं लाग्यो, आप मारी जीभ पर डस सको। अब नागराज भी मजबूर हो जावे, नागराज और बानो बनावे कि मैं तने किया डसू, तू तो ऊंचो ही बहुत है, लीलण पर बैठे हुए कहिया डसू। तो तेजा जी महाराज कहीं गए, ओ जी बड़ लिया थे डंक भरोनी वासक राजा, अरे लीलन पे हाने पर मेलो बेसनो, अरे लीलन रे हाने पर मेलो बेसनो, मारी जीपड़ लिया डस जाओ। अब नागराज तेजा जी महाराज री जीपड़ ली पर डस जावे, तो थोड़ी दूर पर आशु देवाशी आपरा पशु चरान तो होए, तो तेजा जी महाराज आशु देवासी ने आवाज देवे कि हे आशु देवासी, ओ मरो मोलियो है, ओ मोड़ियो आप पेमल ने दे दीजो और मरिया बात कह दीजो कि तेजा जी महाराज तो गायानी वारा चढ़ गया। अब आशु देवासी रे आंखों में पानी आ जावे, आशु देवासी पेमल रे घरे जावे और वो मोड़ियो पेमल ने देवे और बोले कि हे पेमल माता, आपरा पति तेजा जी महाराज तो गया नी बारा चढ़ गया। अब माता पेमल आपरी मां ने कहे कि आप मारे पति ने श्राप दियो, एड़ा बोल बोलिया और मारे पति ने काड़ो खा गए हुए। अब माता पेमल पैरा में जूती चप्पल नहीं, कोई सुध नहीं, नागराजरी बंबी माथे आवे और धरती माता सु पुकार करे कि हे धरती माता, अगर मैं तेजा जी महाराज रे अलावा कोई भी पर पुरुष री इच्छा करी होवे या कोई भी पर पुरुष रो मुंडो देखे होवे तो मारो सती होने रो कोई धर्म नहीं है। अगर मैं तेजा जी ने आपरो सब कुछ मान्यो, आपरो पति मान्यो, आपरो सुहाग मान्यो और तेजा जी महाराज ने मेरो प्रेम दियो, अगर मैं सच्ची हूं तो हे धरती माता,
आप अपने गोद में मने समा लेवो। अब धरती माता पेमल री पुकार सुने और माता पेमल तेजा जी महाराज और पेमल तेजा जी महाराज ने गोद में ले गए, धरती में समा जावे और तेजा जी महाराज ने सती कहलावे। माता पेमल बटे सती हो जावे या बात आशु देवासी देखे। देखो एक बात और रख रही हूं आप सभी के बीच में, तेजा जी महाराज को सत्यवादी क्यों कहा जाता है इस बात का जवाब देना चाहती हूं मैं आपको। सत्यवादी इस दुनिया के अंदर दो ही लोगों के आगे लगता है, एक तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और दूसरा सत्यवादी वीर कुंवर तेजा जी महाराज। और वो सत्यवादी क्यों लगता है ध्यान लगा के सुनिएगा। सबसे पहला तेजा जी महाराज आप रो जाट होण रो धर्म निभायो, सत्य पर अडिग रहा और बारे पीछे बारी पत्नी माता पेमल सती हो गई। या बात देख आशु देवासी भी आपरा प्राण खो दिया कि एड़ो प्रेम भी संसार में होया करे। जन्म लेने के बाद 30 वर्ष तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी और जब देखी तो सीधा सती हो गया। अब तेजा जी महाराज लीलन ने भी कह दियो कि मारे घराने संदेश दे दीजो कि थारो तेजो तो गाया री वारा चढ़ गयो। वो लीलन तो रोंदी रोंदी जावे या सारी वार्ता वासक राजा देखता होए तो वासक राजा रे मन में बड़ो पश्चाताप होए कि ओ मैं कहीं कर दियो, मासू तो बड़ो ही मोटो पाप हो गयो। तो नागराज आपरो फण बंबी पर मार 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 घायल होने आपरा प्राण त्याग देवे। माता पेमल आशु देवासी और नागराज तीन लोग अटे सती हो जावे। अब जिया ही लीलन घराने जावे तो रस्ते रे मायने तेजा जी महाराज रो खेत आवे। खेतरे मायने बुंगरी बाई बाछड़ा चरांदी होवे और बुंगरी बाई री एक सहेली भी होवे। अब जिया ही लीलन बुंगरी बाई रे कने पहुंची तो बुंगरी बाई बड़ी खुश हुई कि मारो वीरो भावज लेने आए हुए। तो लीलन ने पूछे कि हे मारी प्यारी लीलन मारो भियोर भाभी कठे है। लीलन कुछ नहीं बोले। अब बुंगरी बाई सोचे कि थोड़ा दूर है पैदल आता हो से। बुंगरी बाई सारो रस्तो निहार लेवे लेकिन माता पेमल और तेजा जी रो कोई नामो निशान नहीं हुए बेटे। अब लीलन बाने बतावे कि थारो तेजो भाई तो गायारी वारा चढ़ गयो। अति बात सुनता ही बुंगरी भाई बड़ो विलाप करे और बुंगरी भाई कहे कि इन धरती पर मारो वीरो नहीं रहो तो मारो जीवन रो कोई अधिकार नहीं है। बुंगरी भाई सूरज भगवान सु प्रार्थना करे कि हे सूरज भगवान मने आपरी गोद में ले लेवो, मैं इन धरती पर मारे बीरा रे बिना नहीं जी सकती। तो सूरज भगवान बुंगरी बाईरी करुण प्रकार सुने। अब बुंगरी बाईरी सहेली रह जावे बटे बुंगरी बाई और सहेली रो इतो गुड़ो प्रेम होए एक दूसरे रे बिना नहीं रह सके। तो बुंगरी बाईरी सहेली इतनी वार्ता देख बुंगरी बाईरी सहेली बटे मौत हो जावे। तो तेजा जी महाराज रे पीछे कम सुकम 5-6 लोग सती वे गया और तेजा जी महाराज आपरे वचनारा सच्चा हा। जाट नी रो कदी दूध नहीं लजायो, जाटा रो मान बढ़ायो।
तो इन कारण तेजाजी महाराज रे नाम रे आगे वीर कुंवर सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज लागे। एक बार बात अच्छी लगी हो तो तेजाजी महाराज के जोरदार जयकार बोल दे, बोले तेजाजी महाराज की जय।